जंग का आगाज हो गया है। भले ही बड़े बड़े ट्रेड क्रिटिक्स कह रहे हैं कि डंकी वर्सेस अला नहीं होगा, डंकी वर्सेस अला नहीं होगा, पर ये बात लिख के ले लो, ये क्लैश तो ऑन द कार्ड्स है और ये क्लैश होकर ही रहेगा। कंटिन्यू सलार के मेकर्स एक के बाद एक पोस्टर्स निकाल रहे। अभी कुछ दिन पहले प्रभास का रिबेल लुक वाला एक पोस्टर निकाला था सलार के मेकर्स ने, जिसमें साफ साफ लिखा है रिलीजिंग ऑन 22nd December। और अब ये एक और नया पोस्टर सलार के मेकर्स ने रिलीज किया है, जो है पृथ्वीराज का पोस्टर। ओ माई गॉड, नो डाउट ये एक बहुत ही वंडरफुल एक्टर है। आज इनका बर्थडे है तो इसलिए सलार के मेकर्स ने गिफ्ट के तौर पर ये पोस्टर रिलीज किया है, और ये पोस्टर दिल दहलाने वाला लग रहा है। अब ये पोस्टर का मतलब क्या है? मतलब तो यही है गुरु कि जंग छेड़ने वाली है। साफ साफ लिखा है 22nd December। सलार के मेकर्स बार बार चेतावनी दे रहे हैं डंकी को कि हम तो 22nd को रिलीज हो रहे हैं, तुम अपना देख लो भाई। कभी कभी क्या होता है ना कि लोग स्विमिंग पूल में जंप करने से पहले पानी का टेम्परेचर चेक करते हैं। पहले अपना एक पैर डाल के देखते हैं, फिर निकालते हैं, फिर अपना पैर डाल के देखते हैं, फिर निकालते हैं, ये चेक करते हैं कि पानी कितना ठंडा है और कितना गर्म। एनीवेज, तो सलार भी यही कर रहा है। सलार के डायरेक्टर प्रशांत नील का वो इंस्टा पोस्ट ही देख लो, जिसमें लिखा था दिस क्रिसमस विल बी डिफरेंट। फिर वो प्रभास का पोस्टर आया जिसमें लिखा था December 22nd। फिर अब ये पोस्टर आया है जिसमें साफ साफ लिखा है December 22nd। तो ऐसा करने से अगर डंकी पीछे हट जाए तो सलार को सोलो रिलीज मिल जाएगा। तो ये स्ट्रैटेजी सलार के मेकर्स की तरफ से मुझे काफी अच्छा लगा। और डंकी क्या कर रही है? डंकी कर रही है वेट एंड वॉच का गेम। वो बस देख रही है कि ठीक है, दुश्मन को जितना कुछ करना है करने दो, हम अपना ट्रम्प कार्ड तो लास्ट में दिखाएंगे। तो आपका क्या ख्याल है इस इंडियन सिनेमा के बिगेस्ट क्लैश के ऊपर, मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। और वीडियो पसंद है तो प्लीज इसे लाइक कर दो यार, और चैनल को सब्सक्राइब करो, थोड़ा सपोर्ट करो। जल्दी मिलते हूँ अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।